स्टैंड अप इंडिया स्कीम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है एंड सब लोग इसका फायदा आप उठा सकते हैं। इस स्कीम के तहत आप 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है तो आपकी घर की जो भी महिलाएं हैं आप उनके नाम पर इस लोन को ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एससी एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए सुनहरा अवसर है एंड बाद बाकी कास्ट के लिए भी है, मैं आपको बताऊँगा। नमस्कार, मैं सत्यम कीर्ति श्रीनाथपना और बिजनेस कोच एंड राइटर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टैंड अप इंडिया स्कीम भारत सरकार का स्कीम है, वीमेन एंड एससी एसटी के जो भी एंटरप्रेन्योर हैं उनको ध्यान में रख के इस स्कीम को बनाया गया है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस स्कीम में जो एससी एसटी कास्ट के नहीं हैं उनको भी फायदा मिलेगा। कैसे मिलेगा अभी बताते हैं। जो भी वीमेन है उनके नाम पे तो मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। वीमेन का कोई भी कास्ट हो, कोई भी धर्म हो, मायने नहीं रखता। अब बात करते हैं यहाँ वाला, जहाँ पे लिख दिया इन्होंने कि एससी एसटी को ही लोन हम देंगे। इसमें भी क्राइटेरिया सरकार ने क्या कहा कि अगर कोई एससी एसटी वर्ग का जो भी एंटरप्रेन्योर सिंगल है, अपने नाम पर ही उसका सारा बिजनेस है, तब तो उसको 100% लोन के लिए एलिजिबिलिटी होगी इस स्कीम के तहत। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई अदर कास्ट का पर्सन भी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है बिजनेस में तो वो भी लोन के लिए ले सकता है। तो इसके लिए आपको सिंपल काम करना है और वो है अपने ऑर्गेनाइजेशन को पहले बनाना है, रजिस्टर्ड करना है। जैसे पार्टनरशिप फॉर्म बनाइए या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाइए, कुछ भी बनाइए या LLP बनाइए, तीनों में से जो भी चीज़ आप बनाएंगे बस उसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि आपके कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म एंड LLP में जो आपका पार्टनर है वो एससी एसटी कैटेगरी का होना चाहिए एंड उसका जो शेयर होल्डिंग है, उसका जो पार्टनरशिप है वो 51% का होना चाहिए, तब जाके आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। यानी कि अदर कास्ट के लोग भी आप कर सकते हैं, ऐसा इसमें बाउंडेशन नहीं दिया है भारत सरकार ने। अब बात करते हैं इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। सबसे पहला, कैंडिडेट एससी एसटी या वीमेन होनी चाहिए और इनकी एज 18 वर्ष या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा हो गया कि जो भी लोन मिलेगा इस स्कीम के तहत वो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के नाम पर ही लोन मिलेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में ग्रीन फील्ड का मतलब ये हुआ कि पहला वेंचर होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल ही न्यू बिजनेस के लिए लोन मिलने वाला है। न्यू बिजनेस के लिए लोन आपको मिल सकता है किस किस फील्ड में, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, एग्री अलाइड एक्टिविटीज हो गया या ट्रेडिंग सेक्टर हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट सारे चीज़ों को इन्होंने कवर अप कर ही लिया है। अगर इंडिविजुअल इंटरप्राइज नहीं है, जो कि मैंने आपको बता दिया, तो 51% शेयर होल्डिंग एससी एसटी या वीमेन का होना अनिवार्य है। और सबसे लास्ट हो गया, बॉरोअर डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए, ये तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है अभी तक के इतने वीडियोज आपने देख चुके हैं। अब इसमें एक मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लोन मिलता है बट किस चीज़ के लिए। न्यू बिजनेस के लिए लोन मिलता है, क्लियर हो गया। लोन उसमें भी मिलता है, आपको टर्म लोन मिल जाएगा एंड आपको वर्किंग कैपिटल के लिए भी लोन मिलेगा, तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन आपको मिलेगा। पर्पस क्या होना चाहिए बिजनेस का, वो मैंने बता दिया, ग्रीन फील्ड से रिलेटेड होना चाहिए, न्यू बिजनेस होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है साइज ऑफ लोन। कंपोजिट लोन ऑफ 85% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इंक्लूसिव ऑफ टर्म लोन एंड वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो भी लोन का अमाउंट है उसका 85% बैंक देगी एंड 15% का मार्जिन मनी बोलते हैं, यानी कि 15% प्रोमोटर को या जो ऑनर है उसको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना होगा, राइट। जैसे CGTMSE में मैं बार बार बताते रहता हूँ कि वहाँ पे भी लगभग यही चीज़ है, 20-25% और बेसिक लगभग हर स्कीम का ये नियम है बैंक वालों का अपना कि 20-25% खुद का इन्वेस्टमेंट वो देखना चाहते हैं, तब जाके वो लोन देने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो यहाँ पे तो सरकार ने बोल दिया कि 15% ही आपको ज़रूरी है, वो अगर आप उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, कम नहीं होना चाहिए, ये ध्यान देना है। अब बात आता है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी के लिए प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा द लोन में भी सिक्योर्ड बाई कोलैटरल सिक्योरिटी और गारंटी ऑफ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर स्टैंड अप इंडिया लोन्स एज डिसाइडेड बाई द बैंक। रीपेमेंट कितने टाइम तक का रहेगा, तो 7 साल तक का रीपेमेंट का टाइमिंग रहेगा एंड उसमें 18 महीने का मोरेटोरियम पीरियड रहेगा, यानी कि लोन लेने से लेकर लोन सैंक्शन जिस दिन हुआ उससे लेकर आने वाले 18 महीने तक आपको छूट दिया जाएगा, कोई EMI किसी टाइप का इंटरेस्ट आपको बैंक को नहीं देना। 18 महीने जब आपका बिजनेस का हो जाएगा, लोन का हो जाएगा, उसके बाद तब आपको
लोन का जो भी रीपेमेंट होगा वो स्टार्ट होना है। तो ये एक बेनिफिट है, लगभग हर स्कीम में ये सुविधा आपको बैंक के तरफ से मिलता है, किसी में 6 मंथ, किसी में 12 मंथ, किसी में 18 मंथ, ये बस नॉर्मल है बट लगभग मिलता है। वर्किंग कैपिटल जो भी रहेगा आप उसका विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए नियम है। वर्किंग कैपिटल 10 लाख तक का रहेगा तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के तौर पे आपको मिल जाएगा, एंड 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको कैश क्रेडिट के तौर पे आपको मिलेगा। तो ये सब नॉर्मल बात है, लोन मिलने के बाद ये सब चीज़ हो जाता है बैंक की तरफ से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आपको ये लोन भी नहीं मिलना है। इसके अलावा जो भी बिजनेस के सरकारी स्कीम है बिना प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आपको लोन नहीं मिलता है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए आप myprojectreport.com पे संपर्क कीजिए, वहाँ पर आपको वेरियस टाइप के बिजनेसेस के प्रोजेक्ट रिपोर्ट मिल जाएंगे। इनफैक्ट आपके काम का प्रोजेक्ट रिपोर्ट है तो आप सीधा डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन दिया है। एंड अगर आपको आपकी ज़रूरत के हिसाब से प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं मिला तो आप वहाँ पर नंबर दिया है, ईमेल दिया है, आप वहाँ से संपर्क कीजिए, आपको प्रॉपर वे में सहायता किया जाएगा। चूंकि myprojectreport.com चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरीज की टीम चलाती है एंड आपके लिए बनाती है बेस्ट प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।